अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी को मेरा दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज से संडे, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संडे कमेंट बॉक्स। तो एक्चुअली बहुत सारे लोग हमें रैबिट के बारे में, गिनी पिग्स के बारे में क्वेश्चंस करते हैं, जिस क्वेश्चंस का आंसर हम संडे कमेंट बॉक्स में देते हैं। तो वैसे आज भी मैं कुछ कमेंट्स का रिप्लाई देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, हो सकता है आपका भी कमेंट इस वीडियो के अंदर है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस पूछा गया है वो पूछा गया है निकिता चौधरी। उन्होंने क्वेश्चंस किया है, क्या रैबिट को पिंजरे में रखना चाहिए? जी, आप रैबिट को पिंजरे में भी रख सकते हो एंड फ्लोर में भी रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नसीम आलम, रैबिट एक बार में कितने बच्चे दे सकता है? तो एक बार में 1 से 14 तक बच्चे जन्म दे सकता है, बट कॉमनली बच्चे जो मिलता है वो है 1 से 6 बच्चे ज़्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट एनिमल वर्ल्ड नॉलेज, भाई मेरा रैबिट ने 5 बच्चे दिए और मैं दूध पिलाती हूँ तो काटती है, प्लीज़ हेल्प मी। तो ढंग से अच्छे से पकड़े, आपका जो मादा खरगोश है वो आपको नहीं काटेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन खुर्शीद आलम, मेरा सवाल ये है कि ममता जी जीते, जरूर जीत जाएगा अगर आप वोट करोगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है उमाशंकर राजभर, भाई मेरा रैबिट्स के बच्चे कितने दिन में बड़े हो जाएंगे, बोलो ना भाई, प्लीज़ लव यू ब्रो। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि थैंक यू फॉर लविंग। एंड खरगोश जो है वो, मतलब बबच्चे खरगोश, वो 3 से 6 महीने के अंदर एडल्ट हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं ब्रीडिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्यूटी, हाउ मच टाइम डज रैबिट स्लीप? तो एक्चुअली रैबिट 6 से 8 घंटे तक सोते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पम्मी सिंह राजपूत, डज रैबिट ब्रिंग लकी और बैड लक? प्लीज टेल मी एनीथिंग हैपेंड टू माई दैट ब्रिंग लक और बैड लक आफ्टर यू ब्रॉट देम। आई नो आई एम आस्किंग ए सिली क्वेश्चन बट प्लीज आंसर मी। तो एक्चुअली एक अंधविश्वास है कि एनिमल्स घर में लेकर आने के बाद वो लाख होता है या बेड लाख होता है, एक्चुअली टोटली अंधविश्वास है। बट रैबिट अगर आप घर में लेकर आएंगे तो जो बैड इफेक्ट है, मतलब जो भूतियापन का एक डर होता है, एक्चुअली वो नहीं होता है, बट मुझे सही नहीं लगा। तो एक्चुअली खरगोश को देखकर मन थोड़ा हल्का हो जाते हैं, खुशी मिलता है, बस यही है। लक आप तब कह सकते हो जब आप रैबिट का फार्मिंग करोगे, बच्चे लोगे एंड उससे आप सेल करोगे, तो थोड़ा घर में अर्थ आ जाते हैं, तो इससे आप लकी समझ सकते हो, बट बैड लक बिल्कुल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आकांक्षा सिंह, हाउ टू मेक केस फॉर रैबिट, व्हिच मटेरियल्स रिक्वायर्ड? तो इस वक्त तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा कि खरगोश का केस कैसे बनाना चाहिए, तो हमने ऑलरेडी केस बनाया है। तो मटेरियल यही लगता है कि आपको जाली खरीदना होगा, अगर आप ऊट से बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हैं जाली और ऊट को मिक्स करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहम्मद तौकीर, क्या गिनीपिग इंसानों को काटते हैं? जी, कुछ गिनीपिग जो है लोगों को काटते हैं, बट मेरे पास जो है वो बहुत अच्छे हैं, मैं उनको टच भी कर लेती हूँ तो काटता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रॉइंग किंग, गिनीपिग एक बार में कितने बच्चे देता है? तो गिनीपिग एक बार में 1 से 8 बच्चे जन्म दे सकता है, बट कॉमनली जो बच्चे मिलता है वो 1 से 4 बच्चे ही ज़्यादा मिलता है। और हमारी जो गिनीपिग है वो पहली बार बच्चे दिया है, 2 बच्चे हुई है, आप लोग शायद देखा ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहम्मद हुसैन, असम कृषि टीवी, सर मेरा रैबिट छोटा है, फीमेल रैबिट वो बड़ा है, सो जिसकी वजह से मेटिंग नहीं हो रहा है, क्या प्लीज़ गिव मी अ सॉल्यूशन? तो अगर आपकी दोनों रैबिट मैच्योर है, ठीक है, तो चाहे फीमेल रैबिट मेल से बड़ा क्यों ना हो, मैच्योर है दोनों तो ब्रीडिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट किशन लाल, क्या रैबिट को शिमला मिर्च खिला सकते हैं? जी, आप रैबिट को शिमला मिर्च खिला सकते हो, बट ये ट्रीट के हिसाब से खिलाना है, मतलब ज़्यादा नहीं खिलाना है, हफ्ते में 1-2 बार आप खिला सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है टेक्निकल श्राजल, भैया कल हमारे यहाँ बारिश आई थी तो हमें रैबिट भीग गए, तो हम उन्हें बाहर रखते हैं,
जहाँ पर रेन होता है, ठीक है, उस वक्त आप अपने खरगोश को हो सके तो घर के अंदर ले आइए, और नहीं तो जो केस है वो आप अच्छी तरह कवर कीजिए ताकि अंदर बारिश ना जाए, क्योंकि बारिश से रैबिट भीगने की वजह से उनका बीमार हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियस आउट्स, क्या रैबिट को पराठा खिला सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप रैबिट को पराठा मत खिलाए, क्योंकि वो ऑयली फूड है एंड शुगर भी है, सो डोंट फीड योर रैबिट पराठा। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया है, मल्टीपल गेमर्स, भाई मेरे पास एक मेल रैबिट है और एक फीमेल रैबिट है, और फीमेल रैबिट के बच्चे, सॉरी, 5 बच्चे हैं, वो बच्चे आज 13 डेज की हो गई है, तो मैं मेल, फीमेल और बच्चे को एक ही केज में बंद कर सकता हूँ? तो एक्चुअली खरगोश के बच्चे के लिए मेल रैबिट खतरा है, सो आप मेल रैबिट को अलग करके ही रखें, ये बेटर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अभिरूप शर्मा, क्या हम एक रैबिट और एक रैट या फिर गिनी पिग को एक रैबिट के साथ रख सकते हैं एक ही पिंजरे में? तो गिनी पिग और रैबिट को आप एक साथ में रख सकते हैं, बट रैट या माइस नहीं रख सकते हैं। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप गिनी पिग हो या रैबिट हो या रैट हो, आप सबको अलग अलग केस में रखने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलबीर सिंह, खरगोश कितना बड़ा पिंजरा में रखना पसंद करते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। तो एक रैबिट का जो स्पेस है, मतलब जगह देना है, वो है 3 फीट बाय 3 फीट, ठीक है। तो इससे आप कैलकुलेट करके आपके पास जितना रैबिट है वो आप मतलब उसी हिसाब से आप केस बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मुस्कान सिंह, हेलो सर, उन्होंने एक साथ 3 सवाल पूछा है। पहला सवाल है, एक फीमेल रैबिट को एक ईयर में कितनी बार मेटिंग करवाना चाहिए? तो अगर आप अपनी फीमेल रैबिट का हेल्थ अच्छे रखना चाहते हैं तो एक साल में आप 6 बार ब्रीडिंग कराइए, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, बट आप 8 बार ब्रीडिंग करवा सकते हैं, बट मेरे हिसाब से 6 बार ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक बार बच्चे देने के बाद कितने दिन के लिए उसके ब्रेक, मतलब मेल से अलग रखना देना चाहिए? तो ये एक्चुअली आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा, बट मिनिमम जो गैप है वो आपको 15 दिन गैप देना होगा, उसके बाद आप रिब्रीड करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मन्नत खुशी, क्या हम खरगोश को टोमेटो खिला सकते हैं? उससे कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? तो आप रैबिट को टोमेटो खिला सकते हो, ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया है, किसी ने मुझे पूछा था इसके बारे में, तो नुकसान तो नहीं होगा, बट ज़्यादा मत खिलाइए, ट्रीट के हिसाब से खिलाइए, बहुत ही कम अमाउंट में, ठीक है। दोस्तों यही थी कुछ क्वेश्चंस, जिस क्वेश्चंस के आंसर में ऑलरेडी दे दिया, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। और अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन तो है, आप ज़रूर कमेंट कीजिए। तो खुश रहे, मस्त रहे, हमारे चैनल से जुड़े रहे। खुदा हाफिज़।